हेलो मिस्टर लक्की बॉय, कैसे हो सूरज कुमार? सूरज अभी मेरे पास है। क्या बकवास है? अगर सूरज चाहिए आपको तो बदले में 5 लाख रुपए कैश इंतजाम करके लेकर आ जाना। स्टार्ट करो, फोन आ गया उसका। हेलो हेलो हाँ बोलो। जी जी मैं दानिश बोल रहा हूँ। सूरज कुमार बोल रहे हो? जी आप तक आए नहीं, आप मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। अच्छा लोकेशन पे आप आ चुके हो। अच्छा अच्छा किधर हो आप? अच्छा मोरसा बना हुआ है। किधर हो मोरसा? अच्छा ये हो गया तुम? अच्छा अच्छा इधर सामने आ जाओ। हेलो मिस्टर लक्की बॉय, कैसे हो सूरज कुमार? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत लक्की निकले, एक पल में आईफोन 50 प्रो मैक्स। बहुत बढ़िया। अच्छा बचपन से गेम खेलते हो? बहुत सही है बहुत सही है। मतलब इतना मैं सोचा नहीं था कि तुम इस गेम में इस कदर निकल जाओगे कि तुम्हें मतलब 15 प्रो मैक्स मिल जाएगा। हाँ 15 प्रो मैक्स का शौक था। चलो तुम्हारी कंपनी तुम्हें मतलब देगी भाई 15 प्रो मैक्स देगी, और उसके साथ साथ एक कुछ और गिफ्ट देने वाली है। क्या? वो सरप्राइज है तुम्हारे लिए फिर तो। और कहाँ से आ रहे हो? अच्छा जल्दी मैं आईफोन दे दूं आपको? अब बाबू देखो उसके लिए तो प्रोसेस लगेगा, मतलब थोड़ा सा वो फॉर्म वॉर्म फिलअप करना है, वो तुम्हें जान पता है ना, मतलब इतना तो समझदार हो ना तुम कि वो कंपनी का थोड़ा सा रूल होता है, फॉर्म वॉर्म फिल करना पड़ता है, थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि क्या है नाम, कौन बच्चे को दे रहे हो, कितना टैलेंटेड बच्चा है ना, वो सब थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कंपनी को मुझे। तो थोड़ा सा बैठ के बातें कर ले, आ जाओ। और क्या करते हो, कौन से क्लास में? ये है आईफोन जो तुम अभी जीत चुके। मगर एक मिनट रिलैक्स बॉय, इतना नहीं घबराते। तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा ना मुझे वो फॉर्म वॉर्म फिल यू ना, कि थोड़ा सा कंपनी का फॉर्मेलिटी होता है, थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कंपनी को कि हाँ ये चीज़ है वो चीज़ है, हाँ कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, कितना क्या कुछ करता है, वो सारा चीज़ थोड़ा सा दिखाना पड़ता है मुझे। और ये पकड़ो तुम पहले, अब बताओ कैसा लग रहा है ये जीत के? हाँ अच्छा लग रहा है। क्या करोगे इसका आईफोन का? हाँ तुम्हारा फोन है आज से, अब तुम ये फोटो खींचो। अच्छा मेरे साथ लेना है, तुम्हारा फोन है अब तुम ये फोटो खींचो या फिर जो करना है करो। नया है बस, इसमें सिम डाल के कंपनी को चालू करके रखी है कि जो भी इसका विनर हो वो बस जीत ले इसे, ठीक है? थोड़ा सा एक बार डिटेल मुझे देना, थोड़ा सा डिटेल इसमें ही फुलफिल करना पड़ेगा बाबू। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज कुमार है ना। ओके कौन से क्लास में हो? मैं 4th क्लास। ओके और तुम ये आईफोन को क्या करोगे? बचपन से शौक था ये आईफोन। ओके फेवरेट मतलब यहाँ पे ना फेवरेट फेवरेटेड। ओके ठीक है, और फ्यूचर में क्या क्या हासिल करने का शौक है, क्या क्या करने का शौक है? मुझे राइडर बनना, बाइक राइडर, और बहुत सारा पैसा कमाना और मम्मा को काम है। ओके तुम्हें बाइक राइडर बनना है? ओके बहुत सारा पैसा कमाना है। कोई ऐसा ड्रीम बाइक जो तुम परचेज करना चाहते हो, जो खरीदना चाहते हो? मेरे पास 2 बाइक है, कावासाकी निंजा S2 और अच्छा और G900 की जी 900। ये कौन सी कंपनी का है? ये कावासाकी का है। कावासाकी का है। ओके तो ये सब तुम्हारा ड्रीम है कि ये सब तुम लेना चाहते हो, आईफोन से शुरुआत करके वहाँ तक पहुँचना चाहते हो।
ओके वेरी गुड। तो तुम ये बताओ मुझे कि वो कावासाकी जो निंजा के बारे में बता रहे कितने की है वो? वो 80 की है। ओके तुम ये बताओ कि तुम्हारे जो है ड्रीम उसके लिए तुम कुछ कर रहे हो फुलफिल? क्या कर रहे हो? मैं गेम में कुछ कर रहा हूँ। अच्छा तो तुम हमारी कंपनी जो है तुम्हारे जैसे मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए ब्रिलियंट बच्चों के लिए बहुत अच्छा कुछ दे रखी है जो कंपनी पर मंथ तुम्हें 10 लाख रुपए पर इनकम देगी। मेरे को भी बताओ ऐसे करना के लिए। बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरे साथ रहना पड़ेगा। मगर हाँ ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है क्योंकि अगर मम्मा से शेयर कर दोगे तो शायद मम्मा तुम्हें ड्रीम अचीव करने में मतलब वो नहीं होता रोके कि नहीं ये सही नहीं वो सही नहीं है ना पेरेंट्स यू नो मम्मा रोकती नहीं है मम्मा तब भी नहीं पेरेंट्स को अगर ये बता दोगे ना तुम मेरे साथ अगर मिलना जुलना हो रहा है तुम्हारा तो थोड़ा सा मम्मा शायद रोके ये कंपनी का रूल है बाबू तो मम्मा को बताना नहीं है। डन देख लो फिर तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी तुम जा सकते हो ना ये आईफोन मिलेगा ना कुछ मिलेगा तुम जा सकते हो फिर तो आम डन देन कॉन्ग्रेचुलेशन तुम जीत चुके हो ये आईफोन 15 प्रो मैक्स एंड तुम हमारे कंपनी के साथ एज अ पार्टनर काम करने के लिए तुम पार्टिसिपेट भी हो चुके हो है ना। अभी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा बाबू। किधर? आओ बताते हूँ मेरे साथ चलना पड़ेगा कंपनी को देख लो ऑफिस को देख लो उसके बाद फिर जब दिल करे फिर टाइम टू टाइम आना पड़ेगा तुम्हें ठीक है आ जाओ। दोस्तों अभी मैं सूरज कुमार जो बच्चा है उसको मैं अपने गाड़ी में छोड़ के आया हूँ और वो मस्त आईफोन में बिजी है गेम वेम डाउनलोड कर रहा है वो गेम वेम खेल रहा है फोटो ले रहा है वीडियो बना रहा है। ये क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में अगर उसके पास ना कुछ मतलब होता है ना अंदर से कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है तो वो दिखता है और वो दिख रहा है उसके मन में। और सच बताऊं दोस्तों कि वो किसी और फ्रॉड में नहीं फंसा ये ऊपर वाले का भाई बहुत बहुत शुक्र है कि भाई किसी और चुंगल में अभी तक फंसा नहीं है। मैं उसकी मम्मी से एक बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ एज अ बात करने की देखना आप। हेलो हेलो जी कौन बोल रहे हो? आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रहा हूँ वो तो पता चल जाएगा आपको। सूरज कुमार की माँ हो आप? हाँ जी आप कौन? मैं सूरज अभी होगा कहाँ पे आपको कुछ आइडिया है? हाँ जी वो स्कूल गया है। आपको उससे क्या काम है? दरअसल मुझे तो उससे कुछ काम है नहीं। सूरज कुमार ना जो है ना मेरे पास है अभी। सूरज अभी मेरे पास है। क्या बकवास है? अगर सूरज चाहिए आपको तो बदले में 5 लाख रुपए कैश इंतजाम करके लेकर आ जाना मैं लोकेशन और टाइम दोनों बता दूंगा। ओ शट अप ये क्या बकवास है? फोन कट हो गया कोई नहीं आ गया फोन उसी का है। हेलो हेलो जी हेलो हाँ बोलो आप क्या बोल रहे थे? मेरा बेटा कहाँ है? वो अभी प्लीज उसको कुछ मत करना प्लीज। अगर आप चाहते हो वो सलामत रहे आपकी कोख भरी रहे तो 5 लाख रुपए का इंतजाम करके आ जाओ मेरे पास। और अगर पुलिस को या किसी और को इन्फॉर्म किए सुनो कुछ कंफर्म नहीं कर रही सुनो पता कर लिए जहाँ पता करना था। हाँ अगर किसी को इन्फॉर्म किए तो सोच लो आपके बेटे का मैं क्या हाजिर करूँगा। नहीं प्लीज उसको कुछ मत करना प्लीज। और पुलिस को ना ट्रेस करने में ना नानी याद आ जाएगी जी। नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी आप मुझे बता दीजिए क्या करना है आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए मैं आ जाती हूँ प्लीज। मैं लोकेशन दे रहा हूँ आपको आप आ जाओ लोकेशन पे और सही सलामत अपने बच्चे के लिए प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना।
करना? मैं कुछ नहीं करना हूँ, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पे आप आ जाओ। इतना कॉन्फिडेंस था कि बच्चा घर पे है, ये है वो है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना यार। भाई फोन आ गया उसकी माँ का। हेलो हेलो, कहाँ पे हैं? मैं जो लोकेशन दिया था उसी लोकेशन पे हूँ। मैं आपकी लोकेशन पे आ चुकी हूँ, आप नहीं हैं, कहाँ पे हैं आप? अच्छा लोकेशन पे आप आ चुके हो। हाँ जी। किस साइड हो लोकेशन पे आप? आप ही की लोकेशन पे हैं। अच्छा अच्छा, ये हो क्या आप? अच्छा। ये कौन है आपके साथ? ये क्या? ये कौन है? ये भाई है मेरा, इसने ऑफिस में रो रही थी तो इसने बोला कि मैं चलता हूँ साथ में। पुलिस वाले को फोन मिलाऊं? ओ हेलो, मत कुछ करो प्लीज, इस कुछ नहीं करेगा। अरे सारी एक ही निकल जाएगी एक मिनट में। क्या बदतमीजी है? भाई सॉरी, नहीं मिलेगा फिर आपका, भूल जा अपने बच्चे को। नहीं सारी एकड़ी निकल जाएगी एक बार। हेलो क्या है? प्लीज मेरे को एकड़ी दिखाएगा तू? जानता है मैं कौन हूँ? कुछ मत करो प्लीज। जानता है मैं कौन हूँ? कुछ मत करो उसको। कर देता हूँ फोन। कहीं और बोले हो किसी को? इतना रो क्यों रहे हो? किसी को बोले हो पुलिस पुलिस को? किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, प्लीज मत करो। मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, मत करो। ये मैं ऑफिस में रो रही थी तो इन्होंने बोला मैं चलता हूँ साथ में, तो इसलिए। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अंकित नाम है। ये है हेकरी ना, कहीं और जाके दिखाना ठीक है? आयो भाई बनके तो भाई, बस चुपचाप रहना है इसके साथ ठीक है? लायो गैस? हाँ मेरे पास। अरे नहीं मत दो ना। अरे मत। ओ हेलो, ये तो मांगते रहेंगे और मांगेंगे। ओ भाई इसको ले जाओ भाई, प्लीज मेरे को बात ही नहीं करना। ले जाओ आप इसको, ले जाओ आप इसको, जाओ प्लीज। क्या है? और मांगेंगे पैसे फिर आपसे। आप कुछ मत करो प्लीज, मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। मैं जितना कमाती हूँ उतना ही दे सकती हूँ, मेरे पास और कैश नहीं है। अच्छा कितने है ये? 50,000 है प्लीज, उसे कुछ मत करना प्लीज प्लीज। ये मैं क्या करूँगा 50,000 का? नहीं है, मैं क्या, मैं जॉब जहाँ जॉब करती हूँ, जितनी जॉब करती हूँ मैंने आपको सारा दे दिया, और कुछ भी नहीं है मेरे पास, आप देख सकते हैं। आपको मैं ये देती हूँ, आप ये पकड़िए। अरे दीदी मत दो ना इतने इतने इतने, मत करो प्लीज। ये और मांगेंगे फिर आपसे प्लीज, मेरी बेटी मत करो प्लीज। भाई मैं निकल नहीं जा रहा भाई, मैं भाई समझाओ अपने मुंह में बेटे से हाथ धो बैठोगे, हाथ धो बैठोगे बेटे से। निकल लेकर आ भाई, लेकर आ भाई, लेकर आ, लेकर मैं लेकर आऊं? कुछ मत करो, मैं लेकर आऊं? जानता है तुझे मैं, जानता है भाई, हाथ उठा ले ले। कौन है भाई? कुछ मत करो प्लीज, मेरे बेटे की बात है प्लीज, कुछ मत करना उसको प्लीज, मेरी बात करवा दो, मेरे बेटे से मिलवा दो। उठो आप, मैं मंथली जितने बनते हैं मैं आपको देती रहूंगी प्लीज। पहले तो इसे, इस मनुष्य को हटा मेरे सामने से भाई, इधर आ जा, इस मनुष्य को मेरे सामने से हटा। यार मनुष्य किसको बोल रहा दीदी? प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो प्लीज प्लीज प्लीज। इतने पैसे में नहीं होंगे भाई, 5 लाख रुपए चाहिए था यार, फिरौती का रकम मांग रहा हूँ। देती रहूंगी प्लीज, मुझे मेरा बेटा दे दो प्लीज प्लीज। उठो इधर आ, इतने पैसे में मेरा काम नहीं होगा। मैं आपको मंथली के करती रहूंगी प्लीज, मेरी जितनी पेमेंट। ये क्या ईएमआई चल रहा है कि ईएमआई मंथली? ममता नहीं है ईएमआई पे करो बहन। अरे ऐसे पैर मत पकड़ो भाई। पहले तो तू ये यहाँ से दूर खड़े हो भाई प्लीज, अनिल सूरज सर्व मंगला।
मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कुछ हुआ तो नहीं करना है। मिल गया बच्चा, खुश हो अब? हाँ खुश है तू? इधर इधर आप। मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे सबसे पहला चीज कि ना मैं कोई किडनैपर हूँ, ना मैं कुछ फ्रॉड गिरी कर रहा हूँ, मैं एक सोशल काम कर रहा हूँ। जिस आप पे यहाँ पे कैमरा लगा के रखा हूँ आपके सामने, ये चेक करो पहले, कैमरा लगा के यहाँ पे माइक लगा के आपके साथ मैं बैठा हूँ और ये चीज़ मैं आपसे और आज बात कर रहा हूँ। पहला चीज़, ये बच्चा आज मेरे फ्रॉड के जाल में फंसा है, आपको पता है ये चीज़? नहीं, मुझे इस बच्चा से मैं कॉन्टेक्ट किया था, इसको आप फ़ोन देख कर कहाँ कहाँ बिजी रहते हो ये बताओ आप पहले, क्या करते हो आप? मैं अपने ऑफिस में होती हूँ, ऑफिस में आके घर का काम करती हूँ, मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाती, माना कि गलती मेरी है, पर मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इस गलत जगह पे पहुँच जाएगा। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती। आपको बहुत 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 बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा धन्यवाद। बैठो एक मिनट। नहीं नहीं धन्यवाद की बात नहीं, आप एक मिनट खड़े होकर। ये बच्चा मेरे पास मेरे फ्रॉड के जाल में फंसा है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। इस बच्चे को छोड़ के आप कहीं भी जाते हो, फोन दिन भर इसके हाथ में रहता है। क्या करता है फोन का, क्या नहीं करता है आप जानते हो? नहीं, मुझे नहीं पता था। आपको पता कब चला ये मेरे पास है? मैंने इसे किडनैप किया जब मैंने फोन किया आपको। हाँ जी, तभी मुझे पता चला। उससे पहले आप ऑफिस में थी, कुछ पता था आपको? क्या करता है ये, कहाँ बिजी रहता है, क्या नहीं करता है, क्या करता है, किसके साथ मिल रहा है, किससे पैसा ले रहा है, किससे पैसा दे रहा है, कुछ समझ में आता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता था। इस तरीके से बच्चे को छोड़ के कहीं भी आप बिजी हो, अपने काम में बिजी हो, पैसा कमाने में बिजी हो, बच्चा कहाँ बिजी है, क्या गलत सर्च कर रहा है फोन में, क्या गलत काम कर रहा है, आप कभी देखने गए हो बच्चे को? नहीं। तो यहाँ पे गलती किसकी है? अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं सच में फ्रॉडगिरी होता, किडनैपर होता, आज तुम्हारा बच्चा कहीं से मिलता? थैंक यू, धन्यवाद आपका। और भाई थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा रूडली बात किया यार, थैंक यू सो मच। सॉरी भाई, सॉरी। तुम इनका साथ दिखाए, हिम्मत दिखाए भाई, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे मौके पे ना कोई साथ देता नहीं है, ये तो बात है। और बाबू मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो सूरज, कुछ भी करो लालच में नहीं पड़ना है, ठीक है? लालच में कभी नहीं पड़ना, समझे? लालच में पड़ोगे मैं तुम्हें रखा था अपने साथ 2 घंटे से, तुम्हारी मम्मी परेशान थी कितना। कहाँ जाती मैं तो जीते जी मर जाती ना। कोई नहीं, आप जाओ, आप बस ध्यान रखो बच्चे का, ठीक है दोस्त? आगे से वो फोन मत चलाना, ठीक है? दोस्तों ये तो बस एक छोटा सा मैंने कुछ किया था कर्मकांड, इस कांड में अभी बहुत सारे लिस्ट बाकी है, बहुत सारे बच्चों से मुझे कांटेक्ट करना बाकी है। हो सकता है अगला नंबर उस बच्चे का हो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा हो अभी। हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो सोचो अगला नंबर मैं तुम पे लगाऊंगा और तुमको मैं किडनैप करूंगा, और ये मैं इस फेस के साथ नहीं करूंगा, किसी भी चेहरा के साथ, किसी भी नंबर के साथ, किसी भी आईडी के साथ मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा और तुम्हें अपने जाल में फंसाऊंगा। तो कभी भी किसी के लालच में नहीं आना है, समझे? और दोस्तों अगर ये पेरेंट्स अगर देख रहे हो, बड़े अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, बच्चे तक शेयर करो, और उनके जिनके पास बच्चे हैं उन पेरेंट्स के पास शेयर करो, ताकि अपने बच्चे का ख्याल रखें, अपने बच्चे का देखभाल करें। कब क्या बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, दिन भर बच्चे को मोबाइल लेके जो छोड़ देते हो ना भाई, देखो चेक करो क्या सर्च कर रहा है बच्चा, क्या उसमें नोटिस कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, किससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सब चीज़ देखो आप। थैंक यू सो मच।